हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 14 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसकॉम फ्यूचर स्किल ने किसके सहयोग से भारत के छात्रों के लिए AL कुशलता पहल शुरू की? तो किसके हेल्प से शुरू की है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने किस अरब देश के साथ इसराइल के संबंधों को सामान्य करने के लिए समझौता किया है? तो बहरीन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शहर के डॉक्टरों ने भारत की पहली डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी की? तो किसने की है? हैदराबाद। किसने की है? हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में किस समुदाय के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण पर रोक लगाई है? तो मराठा समुदाय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मराठा समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में कैनबिस दवा परियोजना शुरू की गई? तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? तो कल्पना चावला। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कल्पना चावला, जो कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AMU विश्वविद्यालय ने 9 सितंबर को अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो कितने वर्ष पूरे किए हैं? 100 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं AMU विश्वविद्यालय ने 9 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार ने किसे कलौंजी नारायण राव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसको किया है? रामचंद्र मौली को। किसको? रामचंद्र मौली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद कि शिकागो संबोधन की 127वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो कब मनाई गई है? 11 सितंबर को। कब मनाई गई? 11 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।